पौड़ी मुख्यालय में सन 2004 में एक दुकान में ब्लास्ट के दौरान पति की मौत के बाद पत्नी ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मृतक की पत्नी महिला उषा पंत ने बताया कि 25 नवंबर 2004 में शहर के पत इलेक्ट्रॉनिक में हुए ब्लास्ट में उसके पति उमेश पंत की मौत हो गई थी। इसी दौरान तत्कालीन सरकार ने इस विषय पर सीबीआई, सीआईडी और विजिलेंस जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन 19 साल बीत जाने के बाद भी आज तक न्याय नहीं मिला है। उषा पंत का कहना है कि उनका बेटा नाबालिग होने के चलते वह किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं कर पाई। मृतक की पत्नी परिवार पर पति के चल अचल संपत्ति को हड़पने और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में एसएसपी से विजिलेंस की कार्रवाई करने की मांग की है। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। सर, मैं स्वर्गीय उमेश चंद पंत की पत्नी हूँ, जिनका सन 2004 में पंत इलेक्ट्रॉनिक्स में बम ब्लास्ट में मृत्यु हो गई थी। तो सर, उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो अभी तक बंद पड़ी है। और जो मेरे जेठ और देवर हैं वो हमारे हिस्से पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मेरे पति का हिस्सा वहाँ, मेरे बच्चे का है और मेरे घर की वो लैट्रिन कपिट बंद करने की और पानी बिजली सब बंद करने की मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हारा घर बंद कर देंगे। और सर, मुझे मेरे बच्चे को मानसिक प्रताड़ना देते हैं और परेशान करते हैं। और सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे मेन मुद्दा ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति की डेथ क्यों हुई, किस कारण हुई, क्या उसका कारण था। आज तक उसके मुझे पता नहीं चला। और सर, हमारे साथ ही फ्रॉडरी करते हैं, ये हमारे जाली साइन करते हैं, मेरे जाली साइन करते हैं, मेरे जेठ देवर, और हमारे हिस्से को हड़पने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में जाँच होनी चाहिए। जो पीड़िता हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें प्रॉपर्टी संबंधी विवाद के बारे में बताया गया है और उसके अलावा उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करके प्रॉपर्टी उनके नाम पे कराने के कुछ प्रयास किए गए हैं। जिस संदर्भ में पूरी जो जांच है उसको सीओ सदर को दी गई है, उनके द्वारा इसमें जो भी तथ्य और जो भी डॉक्यूमेंट जिनके द्वारा अवेलेबल करवाए गए हैं उसकी पूरी जाँच करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।